सामान बनाया हमने, गाड़ी कहीं भी ले जाएंगे ना भाई, गाड़ी की सुबह सुबह का टाइम गाड़ी में तार लगाया और लाइट आ जाएगी, कुछ भी चला लेंगे, बनाने लगते हैं भाई। और ये लोग कर रहे हैं नाश्ता, भाजी रोटी, सिंपल नाश्ता। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ बट रेगुलर नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो वो लोग को दे दिया मैंने नॉर्मल भाजी रोटी, थोड़ी सी रोटी लाल करके दी, बच्चे खा लेते। और ये थोड़ा सा जो है ये नान है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है, तो इसको थोड़ा सा जेली लगाऊंगी, दोनों को दूंगी। रोटियाँ तो है बनी हुई, अब दोपहर में कुछ अच्छा बनाना है इंशाल्लाह, तो देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको मेरी पूरियाँ भी बताती हूँ। ये देखिए यम, बहुत ही मज़े की बनी है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग, एकदम क्रिस्पी बनती है, बनते हैं ये वाली पूरी। और ये रेसिपी है ना मेरे खाला मुमानी लोग बनाते हैं, बहुत मतलब बहुत यम बनते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे बनते हैं उनकी पूरियाँ, बिकॉज़ उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए लोग को जेली लगा के देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या शूट कर पाती हूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद मेरा रोज़ का काम, मैंने थोड़ी क्लीनिंग कर ली, जो भी मैं पॉसिबल होता हूँ रोज़ थोड़ी थोड़ी करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम नहीं करने से बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहूँ। और मेरा किचन लगभग क्लीन हो गया है। अब्दुल बासित आवाज़ कम करो बेटा टीवी का। ये पूरा क्लीन हो चुका है और मैं बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपी। मैं बनाऊंगी आज खीमा और अक्खा मसूर की बिरयानी। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, बहुत आई थिंक 3-4 साल हो गए। तो ये मैंने खीमा मंगा लिया है, थोड़ा मोटा मोटा, मशीन का नहीं होता है ये, हाथ का ही होता है। तो चलिए अब तो इसको निकाल दिया है, अब थोड़ा सा घर की झाड़ू पोछा वगैरह बाकी है, वो करूँगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। सलाम नहीं करे आज दोनों ने भी। अब्दुल रहमान छुट्टी आज नहीं? अच्छा जाके आए, कितने बजे आ गए? 10 बजे। हाँ हाफ डे था आज। क्यों अब्दुल बासित? और फाइनली ये जो मशीन है मेरी बन चुकी है फाइनली, ये लोग ये देखिए। बट फिर भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे नट नहीं है तो मैं नहीं इसको चला पाऊंगी अभी, प्रॉब्लम है। अब्दुल रहमान वो नट लेकर आ ध्यान से, ये वाला ना मत करो वैसा बेटा, खराब हो जाएंगे। होप कि जल्दी से ये नट लेकर आ और मेरी मशीन बन जाए, देखते हैं चलो क्या होता है। वेरी गुड। तो चलिए ये सब उठा देती हूँ और झाड़ू पोछा करके ले लेती हूँ, क्योंकि अभी से तो 10:30 हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हो गया आज काम। चलो देखते। और पूरा काम होने के बाद मैं आ चुकी थी लंच की तैयारी करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज बनाने जा रही थी खीमा और अक्खा मसूर की बिरयानी। एक्चुअली मेरे घर में पसंद आती है बट हमेशा क्या होता है थोड़ी सी वो है ना ड्राई हो जाती है, तो इस बार मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि थोड़ा अलग तरीके से बनाओ, तो मैंने ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऑसम बनी थी। तो चलिए आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है मैंने अक्खा मसूर भिगा के रख दिया था, मैंने 750 ग्राम्स मैंने राइस लिए थे और मैंने अक्खा मसूर पाउसेरी लिया था और आधा किलो जो है वो खीमा ले लिया था, आपको दिखाया है इसके पहले के वीडियो में। और अक्खा मसूर भी अलग से भिगो के रख दिया, राइस भी अलग से भिगो के रख दी। और मैं कर रही थी बिरिस्ते की तैयारी। बिरिस्ते के लिए जो है मैंने 3 बड़ी प्याज ले ली थी, मैंने और एक ले ली थी एक्स्ट्रा, बिकॉज बिरिस्ता होगा तो अच्छा लगता है। तो बिरिस्ता मैंने एक साइड बनने के लिए रख दिया था। फिर मैं कट कर रही थी, जो मुझे एक्चुअली खीमा भुनना है उसके लिए भी मुझे प्याज लगेगी, तो उसके लिए मैंने कुछ 1 से 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। उसको भी अच्छे से पतला, आपको जैसे बारीक कट करना है लंबा लंबा कट करना है आप लोग कर सकते हो, वो कट करके मैंने ले लिया था। साथों साथ मेरा बिरिस्ता भी रेडी हो रहा था, बस उसको मैंने शिफ्ट कर दिया था क्योंकि मैं एक साइड जो है खीमा बघार लूँगी और वो साइड पे वो जो है मेरी प्याज हो गई थी, तो उसको जो है मैंने निकाल लिया था। एक ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप बिरिस्ता निकालते हो एक बड़ी परात में निकाला करो, क्योंकि वो जब आप खुला कलर रखोगे तो वो अच्छे से क्रिस्पी होता है, वरना वो ऐसा
सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मेरा बिरिस्ता रेडी हो चुका था, वही ऑयल ऐड किया मैंने और मैं इसमें जो है खीमा बघारने वाली थी। अच्छा, खीमा बघारने के लिए मैंने प्याज ले ली थी। प्याज को मैंने अच्छा बिरिस्ते के जैसा ब्राउन करना है हमें, मैंने वैसे ही किया था जैसे कहा था, थोड़ा अलग बना रही हूँ, तो पूरी रेसिपी ज़रूर देखिए। अच्छा, जब तक मेरी प्याज हो रही थी मैंने साइड में बिरयानी के राइस के लिए पानी रख दिया था। और आपको पता है कि कैसे पकाते हैं, नहीं पता है तो मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है जो मैंने चिकन की बिरयानी या बीफ की बिरयानी बताई है, उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए खीमा बघार लेते हैं बिरयानी की जैसी प्याज करके, सॉरी बिरिस्ते की प्याज करके, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे हमारे मसाले, मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, ये डाल के हमें भून लेना है। फिर बाद में मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड किए, वो भी डाल के भून लिया था। वो भूनने के बाद जो मैंने खीमा वॉश करके रखा था उसको भी अच्छे से भून लेना है। अच्छा, इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे क्योंकि हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, सालन नहीं बना रहे, तो उसके लिए एक 2 मिनट के लिए खीमा भून लिया। उसमें जो है पानी ऐड करके उसकी 5 से 6 सीटियाँ ले ली थी। सीटी लेने के बाद ओपन किया तो ऐसे हो चुका था। इसके बाद जो है हम इसमें अक्का मसूर डालेंगे, बिकॉज मैंने अक्का मसूर पहले नहीं डाला, अगर मैं ऑलरेडी डाल देती हूँ बहुत ज़्यादा नरम हो जाता, उसका टेस्ट नहीं आता। फिर जो है हमें इसमें दही डाल देना है, दही को फेंट लेना है, फिर इसके अंदर हम लोग वो दही ऐड कर देंगे एंड इट्स रेडी। तो इसके जो है मैं लेयरिंग लगाऊंगी, मतलब दो दो मसाले के और 2-3 और राइस के, उससे क्या होगा फ्लेवर अच्छा आएगा उसको। ठीक है, अब राइस की लेयर लगा दी, अब आएगी खीमा और अक्खा मसूर की। आप चाहो तो अलग अलग भी उसको कुक कर सकते हो, बट एक साथ करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने ट्राई, मतलब अभी फर्स्ट टाइम इसे सोचा है कि कुछ अलग तरीके से बनाऊँ, तो मैंने ऐसे बनाई, नहीं तो मैं हमेशा से खीमा अलग और मसूर अलग करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली बिरयानी, और मैंने बहुत टाइम हो गया नहीं बनाई थी, तो सोचा चलो आज बना लेते हैं, आज कुछ बनाना ही था मुझे। अच्छा, तो लेट्स ये बना लेते हैं। ठीक है, फिर वापस से एक आएगी चावल की लेयर, ओह सॉरी आई फॉरगॉट, इस पे जाएगा कोथमीर पुदीना। बिरिस्ता मैंने खीमा बनाने के टाइम लिया था प्याज, इस पर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी है तेल। ठीक है, इस पर आएगी वापस राइस के लिए। अच्छा, राइस मैंने इसके पहले वीडियो में स्पेशली जो बिरयानी का वीडियो बनाया था मैंने उसमें शेयर किया कि राइस कैसे कुक करने, मैं हमेशा 100% कुक करती हूँ, मैं 90% नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई कोई राइस ऐसे आते हैं जो 90% कुक करने के बाद जब आप दम मारते हो उसको तो वो कड़क हो जाते हैं, जो मुझे भी नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, उसे बिरयानी का टेस्ट नहीं आता है, दैट इज़ द रीज़न। ओके, डन। अब इसमें जो बचा हुआ पूरा खीमा है हम ऐड कर देंगे। मैंने 1/2 kg खीमा लिया था और आई थिंक आपका मसूर था कुछ पाउसे उतना। ठीक है, नमक वगैरह सब टेस्ट कर लिया है मैंने, आप लोग भी कर लीजिएगा जब पूरा हम लोग अक्खा मसरूर खीमा पूरा कुक कर लेते हैं वो टाइम पे। और ट्राई कीजिएगा बिरयानी और पुलाव जो होता है ना, इसको स्पेशियस स्पेशियस चाहिए, जो भगोना होता है कंजस्टेड होगा तो फिर वो अच्छे से खिल के नहीं बनेगा। डन, और इस पर आएगा वापस से बिरिस्ता। दिख तो अच्छा रहा है, आई होप कि टेस्ट भी अच्छा है। और थोड़ा सा कोथमीर पुदीना एकदम एंड के लिए रखूंगी मैं। ठीक है, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं रखना है। अब ऑयल जो है एकदम ऊपर और ऐड कर देंगे हम लोग, अपना ही ऐड करेंगे, ये नीचे बेस में ऐड कर दिया था मैंने। और इसको हमें ज्यादा देर के लिए दम नहीं रखना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सब कुक है, तो हमें सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए इसको दम पे छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं। और ये रहा लास्ट डेकोरेशन। फिर इसके बाद एक्चुअली मुझे ग्रीन कलर ऐड करना था पर मेरे पास नहीं था, तो मेरा थोड़ा सा पिंकिश जो था वो मैं ऐड कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा जो है हर जगह हम लोग डाल देंगे, ताकि, और मुझे बिना कलर के बिरयानी नहीं पसंद है।
आई डोंट नो व्हाई बट आई रियली डोंट लाइक इट। तो चलिए ये हो गया है, अब इस पे इसके हिसाब का ढक्कन लगा देंगे। और इसको मैं चढ़ा दूंगी दम के लिए। और इसको सिर्फ 10 मिनट दम करना है, थोड़ी देर फास्ट पे रख के फिर स्लो कर देंगे। यानी मार दिया दम। ये है मेरी चाय, ठीक है, और ये है मेरा मेसी किचन। मुझे सब अभी वॉश करना है, देखते हैं। पहले थोड़ा सा मुझे मेरे सूर्य वगैरह बाकी थे, मैंने नमाज़ पढ़ के बिरयानी को दम मार दिया था, तो करते हैं। और किचन भी साफ़ करूँगी, थोड़े से राइस गिर गए, ठीक है। अब इसको 2 मिनट हो गए हैं, इसको मैं कर दूँगी बारीक, ठीक है, और एक 10 मिनट के लिए इसको दम मार देंगे। तो चलिए जब तक चाय इन्जॉय करते। और बिरयानी वगैरह बनाने के बाद उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मेरा मूड बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मैं बहुत लो फील कर रही थी वो सब होने के बाद, पता नहीं, क्योंकि मैं जो इंस्टाग्राम पे बार बार एक्चुअली सब देख रही थी 10th of Muharram के बारे में, उससे सबसे थोड़ा सा मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, इसके लिए कुछ शूट नहीं किया। ये ईशा की नमाज़ को बैठी थी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको बिरयानी की रेसिपी और व्लॉग पसंद आया होगा। एंड का जो शॉट था वो मैं नहीं ले पाई, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं लो फील कर रही थी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।